जोश व उमंग से बड़ी संख्या में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने बाइकों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ शहर के मुख्य सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली। समुच्चय क्षेत्र विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत माता की जय वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। इस विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ उपायुक्त भिवानी आरएस ढिल्लो, भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत व बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जंगीर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव पवन कुमार भी तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जंगीर सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा के तहत शिक्षा बोर्ड के 1000 से ऊपर कर्मचारी अधिकारियों द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा शिक्षा बोर्ड के मुख्य द्वार सेक्टर 13 रोड से आरंभ होकर शहीद भगत सिंह चौक, चिड़ियाघर रोड, सरकुरा रोड, हांसी गेट, घंटाघर, वैस कॉलेज, ब्रिटेन चौक के रास्ते होते हुए वापस शिक्षा बोर्ड के पुराने मुख्य द्वार पर पहुंची। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं व अध्यापकों द्वारा शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। डॉक्टर जंगीर सिंह ने कहा कि हम सब आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी जज्बे के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे। जिला उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में देशभक्ति जगाने का काम किया है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य है। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तिरंगा यात्रा जो है, जो कि हमारे 75th, अगर मैं इंडिपेंडेंस ईयर की बात करूं, उसके उपलक्ष में एकम के अंदर हम ये इसको मनाए जा रहा है। तो आज हम ये तिरंगा रैली, मोटरसाइकिल तिरंगा रैली यहाँ पे कर रहे हैं और सभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसके अंदर। सारे जितने भी विद्यालय के हमारे ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो हम सारे आज पूरे भिवानी शहर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और एक सभी को ये आह्वान भी कर रहे हैं कि हमारा जो 13, 14, 15, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और हमारे सीएम साहब श्री मनोहर लाल जी ने का आह्वान है, उस आह्वान के साथ हम सब लोग जुड़ें और 13, 14, 15 की रैली में जो हमारा हर घर तिरंगा की मुहिम है उसको सुनिश्चित करें और उस ये तीनों दिन भिवानी के हर एक घर पर, हर एक बच्चे के पास, हर एक बूढ़े के पास तिरंगा हो और हम तिरंगे की शान, जो हमारी आन है, शान है और जिससे हम हैं, जो तिरंगा है तो हम हैं। तो एक ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि भाई अपने देश के लिए हमें तिरंगा के लिए, अपने तिरंगे की शान के लिए हमें अपना 15 अगस्त और जो हमारा 75वां ये इंडिपेंडेंस ईयर है,
इसको हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और एक हमारी ये भी कोशिश है कि आने वाला जो हमारा 100वां होगा उसके अंदर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई हम एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, तो हर लेवल पर, हर सत्र पर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं और ये पूर्ण होगा। सर जोश बहुत है, जोश बहुत है हर वर्ग के अंदर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी के अंदर बहुत जोश, सभी के अंदर बहुत जोश। सर 12 तारीख को कोई रैली भी निकाली थी? 12 तारीख एक हम रैली कर रहे हैं, तिरंगा रैली कर रहे हैं, और वो काफ़ी बड़ी रैली होगी, उसके अंदर आप लोग सभी पत्रकार बंधु भी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये ईव पर हम करेंगे 13, 14, 15, क्योंकि हमारा ये उत्सव की तरह मना रहे हैं। 12 को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह जाकर हम एक मैसेज दें और हमारे साथ जन सैलाब जो है वो जुड़ जाए, और ताकि हमारी जो ये कोशिश है कि पार्टिसिपेशन 100% वो सुनिश्चित हो। 15 अगस्त का प्रोग्राम जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है वो लोहारू में मनाया जाएगा, उसके अलावा भिवानी, तोशाम और सिवानी, इन सभी जगहों पे 15 अगस्त के प्रोग्राम मनाए जाएंगे। हर घर तिरंगा यात्रा है जो लगातार चलती आ रही है, हमारे सभी पुलिस स्टेशन, हमारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, चौकियाँ हैं, सबके ऊपर झंडा कल से ही फहराया जाएगा और एक 17 तारीख तक फहराया जाएगा। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी जोश शोर के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर, हर पुलिस कर्मचारी है हमारे घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा।